नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने LGBTQ+ कम्युनिटी का अर्थ समझा था और इसके अलावा हमने समलैंगिकता पर विभिन्न धर्मों के दृष्टिकोण क्या हैं इनके बारे में भी बात करी थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आइए जानते हैं कि समलैंगिक विवाह पर केंद्र सरकार का क्या तर्क है। साथियों, केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ तर्क देते हुए एक स्थिति अपनाई है कि ये निर्णय संसद का है, न्यायपालिका का नहीं है और याचिका शहरी अभिजात दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अधिकांश लोगों द्वारा समर्थन नहीं किया जा रहा है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि समलैंगिक विवाह जैसी नई सामाजिक संस्था का कानूनी स्थापना करना मौलिक अधिकार का प्रश्न है। केंद्र सरकार का मौलिक तर्क ये है कि समान लिंग विवाह को भारतीय परंपराओं, लोकाचार, संस्कृति या विवाह की संस्था की सामाजिक अवधारणाओं में मान्यता नहीं दी गई है। सरकार ने आगे कहा है कि विवाह एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच एक संस्कार है, ताकि बच्चा पैदा करने के लिए एक पवित्र मिलन किया जा सके। नतीजतन ये तर्क दिया जा रहा है कि न्यायालय के बजाय संसद बहस करने और यह तय करने के लिए उपयुक्त तो संस्था है कि समलैंगिक विवाह वैध होना चाहिए अथवा नहीं। सरकार की ओर से दायर हलफनामों में कहा गया है कि संसद ने देश में विवाह कानूनों को केवल एक पुरुष और एक महिला के मिलन को स्वीकार करने के लिए तैयार किया है। ये कानून विभिन्न धार्मिक समुदायों के रीति रिवाजों से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों, संहिताबद्ध कानूनों से शासित है। इसमें किसी भी हस्तक्षेप से देश में व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन के साथ पूर्ण तबाही मच जाएगी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह तर्क दिया है कि विवाह को विनियमित करने में राज्य का एक वैध हित है, जैसे कि सहमति की उम्र, द्विविवाह पर रोक, विवाह का निषिद्ध स्तर, अर्थात जिसका मतलब ये है कि कोई अपने वंशजों से विवाह नहीं कर सकता है, जैसे माता पिता के वंशजों से या फिर दादा दादी के। इसके अलावा न्यायिक, अलगाव और तलाक से संबंधित कानूनों में ये हमको दिखाई देता है। विवाह करने का अधिकार स्वयं में पूर्ण नहीं है और राज्य के कानूनों के अधीन होता है ये। मेहता साहब ने एक ऐसे भविष्य का भी अनुमान लगाया है जिसमें अनाचार पर कानून को चुनौती देने के लिए यौन अभिन्यास स्वतंत्रता और स्वायत्तता के तर्कों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात कल को कोई ये भी मांग कर सकता है कि एक ही परिवार में रिश्तेदारों के बीच भी सेक्स की इजाजत दे दी जाए, या फिर कोई शख्स अगर अपनी बहन की ओर आकर्षित होता है और कहता है कि हम वयस्कों के बीच में आपसी सहमति है और हम अपनी प्राइवेसी में अतरंग होना चाहते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा। केंद्र सरकार के अनुसार व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार में सेम सेक्स विवाह को मान्यता देने का अधिकार शामिल नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार का ये मानना है कि याचिकाकर्ता शहरी अभिजात वर्ग के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक संस्था के रूप में विवाह को केवल विधायिका द्वारा ही मान्यता दी जा सकती है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से पहले विधायिका को शहरी, ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण व धार्मिक संप्रदायों तथा व्यक्तिगत कानूनों के साथ साथ विवाह के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले रीति रिवाजों को ध्यान में रखना होगा, अर्थात इन सभी पर विचार करना पड़ेगा। समान सेक्स विवाह को वैध बनाना प्रत्येक नागरिक के हितों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। केंद्र सरकार के अनुसार ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 पहले से ही मौलिक अधिकारों जैसे कि निजता के अधिकार और किसी के यौन अभिन्यासों को चुनने के अधिकार की रक्षा कर रहा है। अतिरिक्त अधिकारों की स्थापना, संबंधों की स्वीकृति और उक्त संबंधों के लिए कानूनी वैधता का प्रावधान केवल एक सक्षम विधायी निकाय द्वारा ही किया जा सकता है, न कि न्यायालय के निर्णय के माध्यम से। वैश्विक स्तर पर विवाह को व्यापक रूप से एक राष्ट्र की सामाजिक नीति का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। समान लिंग विवाह को परिभाषित करने, पहचानने और विनियमित करने की जिम्मेदारी उपयुक्त विधायिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी होती है। ये तो हो गई केंद्र सरकार की स्थिति। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि LGBTQ+ कम्युनिटी चाहती क्या है। सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल के अनुसार 99% समलैंगिक जोड़े शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। उनका मानना है कि शादी के बंधन से उनके रिश्तों को महत्व, दिशा और स्वयं को एक अलग समझ मिलेगी। आमतौर पर ऐसे लोगों को तृतीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है और कुछ व्यक्तियों के अनुसार एक आम धारणा ये है कि वह हीन नागरिक हैं, इसलिए उन्हें अपनी स्थिति से संतुष्ट हो जाना चाहिए। जिस हाल में वह हैं उसी में उनको खुश रहना चाहिए। हाल ही में एक अदालती सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी जी ने LGBTQ+ कम्युनिटी की याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश की, जिसमें कहा गया कि गैर विषमलैंगिक या समलैंगिक जोड़ों का विवाह का अधिकार अनुच्छेद 14, 15
16, 19 और 21 में निहित है। रोहतगी साहब ने आगे कहा कि आर्टिकल 14 के अनुसार समानता के अधिकार के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल ओरिएंटेशन सिर्फ महिला पुरुष के बीच ही नहीं अपितु सेम सेक्स के बीच में भी होता है। समलैंगिक विवाह को मान्यता न मिलना भेदभावपूर्ण है और ये LGBTQ+ कम्युनिटी की गरिमा पर आघात है। रोहतगी साहब ने नवतेज जौहर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कुट्टास्वामी फैसले का भी उदाहरण दिया, जिसमें निष्ठा के अधिकार और पसंद तथा चयन के अधिकार पर जोर दिया गया। सेम सेक्स कपल्स और LGBTQ कम्युनिटी के एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा समान लिंग विवाह को स्वीकार करने से इनकार करना समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है और उन विशेषाधिकारों का भी उल्लंघन है जो विवाहित विषमलैंगिक कपल्स को मिलता है। शादी को मान्यता नहीं मिलने से ये होता है कि वो कपल शादी से जुड़े अन्य अधिकारों से भी वंचित हो जाते हैं, जैसे किडनी देने की इजाजत परिवार के ही सदस्यों को होती है। अगर समलैंगिक जोड़ों में किसी एक को किडनी की जरूरत है और दूसरा देने में सक्षम और इच्छुक भी है, तो चाह कर भी किडनी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं है। इसी तरीके से ये लोग उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। मेडिक्लेम, इंश्योरेंस और अन्य दस्तावेजों में अपने पार्टनर का नाम नहीं लिख सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी के अनुसार समलैंगिक विवाह की अवधारणा अभिजात वर्ग तक ही सीमित नहीं है, ये धारणा कई छोटे शहरों को भी एड्रेस करती है। इस क्षेत्र के युवाओं के बीच में भी विवाह एक वांछित लक्ष्य है, ऐसा मेनका गुरुस्वामी जी का मानना है। इन्होंने विवाह के अधिकार के सकारात्मक कार्यान्वयन के लिए भी अनुरोध किया है, ये भी LGBTQ+ कम्युनिटी की ओर से केस लड़ रही हैं। एडवोकेट अरुंधति काटजू, मेनका गुरुस्वामी और गोविंद मनोहरन ने तर्क दिया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने में विफलता भेदभाव का गठन करती है, जो LGBTQ+ कम्युनिटी की गरिमा और आत्मपूर्ति को कम करती है। अदालती कार्यवाही के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि LGBTQ+ कम्युनिटी के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति देश की आबादी का लगभग 7-8% है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि LGBTQ नागरिकों को लगभग 15 कानूनों के तहत कानूनी सुरक्षा नहीं दी जाती है, जो विरासत, भरण पोषण, ग्रेच्युटी, गोद लेने, सेरोगेसी और अन्य जैसे अधिकारों की गारंटी देते हैं। अब आइए जानते हैं साथियों कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज पर क्या प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के तहत LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों के लिए विवाह के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार समान सेक्स विवाह को शहरी अभिजात या शहरी संभ्रांतवादी अवधारणा नहीं माना जा सकता है, खास तौर पर जब सरकार ने इस दावे के पक्ष में कोई डेटा नहीं दिया है। CJI चंद्रचूड़ साहब ने कहा है, यह शहरी सोच लग सकती है क्योंकि शहरी इलाकों में अब लोग खुलकर सामने आने लगे। हम किसी लोकप्रिय या वर्गीय नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, संविधान क्या कहता है ये हमारे ऊपर है और हम सिर्फ इसका पालन करते हैं। CJI के अनुसार पुरुष या महिला की कोई एब्सोल्यूट अवधारणा नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आपके जननांग क्या है, यह इससे कहीं अधिक और भी ज्यादा जटिल है। इस वक्तव्य पर उनका जमकर मजाक उड़ाया गया था, दुनिया भर के मीम्स उन पर बने थे। CJI DY चंद्रचूड़ साहब ने सोशल मीडिया के इन ट्रोल पर अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा, उनकी टिप्पणियों के लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, अब यह जजों के लिए चिंता का विषय बन गया है। हम कोर्ट में जो कहते हैं उसका जवाब ट्रोल्स में होता है, कोर्ट में नहीं। बहरहाल CJI चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि इस मामले से 3 स्तरों पर निपटा जा सकता है। पहला, सरकार आसानी से प्रशासनिक संशोधन कर सकती है। दूसरा, सरकार के दायरे में जो भी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा, विशेष विवाह अधिनियम को जनरल न्यूट्रल करके शादी करने के लिए सेम सेक्स वाले कपल्स के अधिकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए पर्याप्त विधायी परिवर्तन किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप शादी करने में सक्षम होना चाहते हैं। हम जानते हैं कि केवल यह कहना कि लोगों को विवाह करने का अधिकार है ये पर्याप्त नहीं है। इसे एक ऐसे कानून द्वारा समर्थित किए जाने की आवश्यकता है जो विवाहित लोगों को रिकॉग्नाइज, कंट्रोल और अधिकार देता है। अब आप कहते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 आपके अंतर्गत आपको विवाह करने का अधिकार है। हाँ, हम उस बिंदु पर विचार करेंगे, लेकिन यह तर्क उतना आसान नहीं है जितना लगता है।
क्योंकि इस कानून और व्यक्तिगत कानूनों अर्थात पर्सनल लॉ सहित अन्य कानूनों के बीच बहुत सारे संबंध हैं और ये अदालती समीक्षा के अधीन नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आप उस बिंदु पर पहुंचे जहां आपके पास कुछ भी ना बचा हो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।